हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं भूपेंद्र पाल और आप देख रहे हैं पालटेक यूट्यूब चैनल। देखो, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं। आप देखते होंगे जब डीएसएलआर वीडियो से जो वीडियो रिकॉर्ड होती है उसमें बोके इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, पीछे आपको पूरा बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है। आप सोचते होंगे कि मैं अपने फोन में भी ऐसे ही कर लूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस टाइप की वीडियो मैं अपने फोन से रिकॉर्ड कर लूँ। मैंने भी फोन से रिकॉर्ड किया है। तो किस टाइप से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो इसके लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए, एक तो नंबर वन आपके फोन में पोर्ट्रेट मोड होना चाहिए जिससे बोके इफेक्ट आता है। नंबर टू, आपके फोन में स्क्रीन रिकॉर्डर होना चाहिए। अगर स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा 2-4 स्क्रीन रिकॉर्डर के, आप कोई सा भी डाउनलोड करके उसे यूज कर सकते हैं। नंबर थ्री, आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक क्रॉप करने के लिए कोई भी ऐप होना चाहिए। तो मैं काइन मास्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो काइन मास्टर से उस वीडियो क्रॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कैमरा ओपन करना है। कैमरे में इफेक्ट होता है पोर्ट्रेट मोड का। अगर आपके में AI मोड है तो उसको भी इनेबल कर सकते हैं। अगर आपके पोर्ट्रेट मोड में कम ज्यादा करने का ऑप्शन है तो उसको भी बोके इफेक्ट कम या ज्यादा कर सकते हैं। और आपको फिर स्क्रीन रिकॉर्डर चला देना और सामने खड़े हो जाना, वीडियो रिकॉर्ड होने लग जाएगी। आपको पावर डायरेक्टर में जाना है और यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेना है, इसको खींच लेना थोड़ा सा आगे तक। फिर दूसरी लेयर लेनी है, जो वीडियो है उसको यहाँ पर ले लेना है। मैं ले लेता हूँ जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मेरी, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग अल्ट्रा HD में थी तो इसको फुल HD में कन्वर्ट करेगा, जिसमें बहुत टाइम लेने वाला है। ठीक है, अगर आपके जो स्क्रीन रेशियो जो 18:99 है तो इसको यूज करना है, अदरवाइज आपको काइन मास्टर यूज करना है। अगर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो रेजुलेशन है उसका जो रेशियो है 16:9 है तो आपको काइन मास्टर डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज पावर डायरेक्टर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आपको जो अच्छा लगे उसको डाउनलोड करके वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद इसको रोटेट करना है और अच्छे से सेट कर लेना है। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ बढ़िया से, मतलब इसमें लगना नहीं चाहिए कि कैमरा यूज भी किया गया है। सेट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना है, इसको सेव कर लेना है फाइल्स में। तो हमारी जो वीडियो बनकर तैयार हो गई है, इस तरह का इफेक्ट देखने को इसमें मिलेगा, पीछे का बैकग्राउंड जो पूरा ब्लर हो गया है। तो गाइस, कैसी लगी ट्रिक मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।